इंडिया, मतलब इंडिया के बारे में। तो इंडिया जो थी वो थ्री थ्री फॉर्म्स में डिवाइड की गई थी, जैसे कि सिटीज में, विलेजेस में और टाउन्स में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे तीन की तीन पॉइंट्स पूरे अच्छी तरह से विद द इमेजेस। ओके, तो आपको जो करना है लाइक एंड सब्सक्राइब। चालू करते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट था वो है विलेजेस। तो विलेजेस मतलब क्या देखते हैं, विलेजेस मतलब गांव, मतलब अभी जैसे कि छोटे छोटे प्लेस, अभी आपको माइनक्राफ्ट खेलते रहो कि उसमें विलेजेस रहते हैं, वैसे ये भी रहते हैं। तो चल देखते हैं, अभी फर्स्ट पॉइंट विलेजेस में का वो है एनिमल हस्बेंड्री। तो अभी एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है देखते हैं। कीपिंग एनिमल्स सच एज काउस हेंस एक्सेट्रा, मतलब आपको जो सेकेंड पिक्चर दिख रही है ना वो एनिमल हस्बेंड्री की है। अभी ये होता है एनिमल को पालना, मतलब जैसे कि हम काउ का यूज किसके लिए लेते हैं, मिल्क लेने के लिए। हेंस का यूज किसके लिए लेते हैं, एग्स के लिए और मीट के लिए। तो वैसे बहुत सारे एनिमल्स पालते हैं और उनसे कुछ ना कुछ लेते हैं। आगे देखते हैं एग्रीकल्चर। अभी एग्रीकल्चर क्या होता है, फार्मिंग, मतलब एग्रीकल्चर मतलब फार्मिंग होता है। इट इज मोस्ट पॉपुलेटेड प्लेस फॉर एग्रीकल्चर। नाउअडेज फार्मर्स आर यूजिंग मॉडर्न मेथड्स टू फार्म। अरे भाई जगह हो गया। मतलब कि अभी एग्रीकल्चर मतलब फार्मिंग होती है, और जो विलेजेस होते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी जगह है। अभी इसमें प्लांट्स उगाते हैं, और जो प्लांट्स हमें नीडेड होते हैं उनको हम क्रॉप्स बोलते हैं। अभी आज के जमाने वाले फार्मर्स मॉडर्न मेथड्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि कल्टीवेटर। अभी कल्टीवेटर किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, हार्वेस्टिंग के लिए। हार्वेस्टिंग मतलब क्रॉप से वीट, मतलब ग्रेन्स लेना। मतलब जैसे कि आप क्रॉप है वीट का, तो यहाँ पर उसका बी। तो ट्रेडिशनल मेथड में हम सिकल से निकालते हैं, पर ऐसा उसके लिए बहुत टाइम वेस्ट होता है और मेहनत। पर कल्टीवेटर से काम बहुत आसान हो चुका है। अभी हम इसे तुरंत निकाल सकते हैं सारे के सारे ग्रेन्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट। फॉर इरिगेशन इट इज स्प्रिंकलिंग वाटर फ्रॉम पाइप्स। अभी इरिगेशन मतलब झाड़ों को पानी देना, मतलब जो अभी हमने फसल उगाई है उसको पानी देना। अभी आपको पता रहेगा फव्वारे, तो वो स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन में से रहते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच बीच में ऐसे रोज है, तो उसमें से पानी आता है थोड़ा, और क्रॉप्स को पूरा पूरा उसके न्यूट्रिशंस और पानी सब कुछ मिल जाता है आसानी से, और इसमें ज्यादा पानी वेस्ट नहीं होता और क्रॉप्स को पानी मिल जाता है जितना उनको चाहिए उतना। ओके, हम आगे देखेंगे। अभी आपको ये जो पिक्चर दिख रही है यहाँ पर वो है टाउन्स की, हम देखेंगे। अभी टाउन्स जो रहते हैं वो विलेजेस से बड़े रहते हैं पर सिटी से छोटे रहते हैं। अभी इसमें का फर्स्ट पॉइंट है म्यूनिसिपल कमिटी। देखते हैं म्यूनिसिपल कमिटी क्या रहता है। टाउन्स आर गवर्न बाय अ बॉडी कॉल्ड म्यूनिसिपल कमिटी, मतलब म्यूनिसिपल कमिटी एक बॉडी, मतलब एक लोग होते हैं जो टाउन को गवर्न करते हैं। हम आगे देखेंगे। अभी अभी हम देखेंगे म्यूनिसिपल काउंसिलर। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन तो आ ही रहेगा कि म्यूनिसिपल क्या होता है। तो म्यूनिसिपल मतलब जो लोग हमारी सुरक्षा रखते हैं उन्हें म्यूनिसिपल कहा जाता है। आगे देखेंगे। इट्स मेंबर्स आर ऑल्सो इलेक्टेड बाय पीपल हु आर अबव 18 कॉल्ड म्यूनिसिपल काउंसिलर्स। मतलब ये म्यूनिसिपल काउंसिलर्स मेंबर्स होते हैं जो म्यूनिसिपल कमिटी में के लोगों को इलेक्ट करते।
अभी जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत सारे मतलब ये रहते हैं ग्रुप्स, जैसे कि भाजप, फिर उसके बाद क्या सही बहुत सारे रहते हैं, मुझको पता नहीं अभी ना, पर रहते हैं। तो ऐसे ही टाउन्स में भी सेम रहता है। अभी देखते हैं, अभी जो ईटीन के आबा होते हैं वही इलेक्ट कर सकते हैं, अगर ईटीन के बिलो रहेंगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर छोटे बच्चे रहेंगे वो बोलेंगे अरे ये देखो वो वाली ड्राइंग अच्छी है इसको इलेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता। जो हमारी सुरक्षा रखता है 1 साल के लिए हमें मतलब क्रॉप्स और जो लाइसेंस रहता है वो उसकी रेट कम लगा देता है, वो ही इसे हम इलेक्ट करते हैं, ये मान में रखना। आगे अभी चेयरपर्सन देखेंगे, अभी चेयरपर्सन म्यूनिसिपल काउंसिलर्स आर हेडेड बाय चेयरपर्सन, मतलब भी जो म्यूनिसिपल काउंसिलर्स होते हैं वो चेयरपर्सन से हेडेड होते हैं। बनो मत मस्तक में। अभी आप जो देख रहे हो ये सिटी है गाइस, सिटी विलेजेस और टाउन से बड़ी सिटी, तो आई थिंक से न्यूयॉर्क सिटी है। और सिटी इज लुक बाय आफ्टर बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अभी इसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कमेटी नहीं और काउंसिलर्स नहीं, इसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। अभी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रहेगी वो पूरे सिटी को संभालती है। मेयर, दे आर हेडेड बाय मेयर, ही लुक्स आफ्टर ड्रेनेज वर्क, वाटर सप्लाई, पब्लिक बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, मतलब ये जो मेयर रहता है मेयर वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हेड करता है, मतलब जैसे कि अगर सामने वाले बिल्डिंग में कुछ ड्रेनेज का काम चल रहा है, मतलब ड्रेनेज वर्क चल मतलब ड्रेनेज खराब हो चुका है पूरा, तो मेयर क्या करेगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोलेगा इस वाले घर में जाओ और ड्रेनेज का काम संभालो, मतलब वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब में का एक इंसान जाएगा और ड्रेनेज का वर्क पूरा कर देगा, फिक्स कर देगा पूरा ड्रेनेज, फिर ही वो जा सकता है। अभी ऐसे ही बहुत सारे वो वर्क्स बताता है मेयर देखकर, वाटर सप्लाई, पब्लिक बिल्डिंग से और बहुत कुछ है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई रहेगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दबा दीजिएगा, और अगली वीडियो